हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SND एजुकेशन। दोस्तों, काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपके नॉर्दर्न रीजन से रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने निकाली है और जो कि आपकी वेबसाइट www.rrcnr.org और नोटिफिकेशन नंबर जो आपको दिया गया है RRC NR-01/2023 Act Apprentice, ठीक है। और ये अभी आपको कल की डेट में निकली है वैकेंसी, ठीक है। और जो कि अगर बात की जाए तो ये जो है आपका अप्रेंटिसशिप निकाला गया है 10th & ITI जिन्होंने कर रखा है, बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रोज़ सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे मैं आपके लिए 10th, 12th, ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट तक के लिए सबके लिए वैकेंसीज जो भी निकलती है अपडेट लेके आता रहता हूँ। इसीलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और साथ ही जो है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। वीडियो काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करें और अपना क्वालिफिकेशन जो है वो आप कमेंट ज़रूर करें। अब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट जो आपको दी गई है ये है आपकी डेट ऑफ टाइमिंग ऑफ ओपनिंग जो एप्लीकेशन है ये है आपका 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्लोजिंग डेट जो है ये आपका 24/11 तक आपका चलने वाला है। एक्सपेक्टेड डेट जो है डिस्प्ले मेरिट लिस्ट जो है वो 12 दिसंबर की दी गई है, ठीक। फर्स्ट ये आपके लिए काफ़ी अच्छी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हो गई है। अब नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन आपका जो दिया गया है 10th जो है वो किए हुए और साथ ही अगर आपने 12वीं भी कर रखी है तो भी एलिजिबल है। मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए एग्रीग्रेड और साथ ही जो है आपका रिलेवेंट ट्रेड के अंदर ITI जो है NCVT या SCVT से कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आप बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक। अब देखिए, नोट जो आपको दिया गया है ऑलरेडी पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन से है और कोई इशू नहीं है तो वही अप्लाई कर पाएंगे। एंड एज क्राइटेरिया जो आपके लिए है वो है आपका 11 जनवरी तक आपकी एज कम्प्लीटली जो है 15 साल से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। अपर एज लिमिट जो है 5 साल का रिलैक्सेशन जो कि SC ST के लिए दे रखा है और 3 साल का OBC के लिए दिया गया है। PWD जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोड ऑफ़ सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन जो आपका रहने वाला है वो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट लिस्ट पर रहेगा बेस्ड। और इसी के साथ में आपका 50% मिनिमम क्राइटेरिया तो मांगा गया है 10th के अंदर और ITI आपका होना चाहिए, ठीक है। और दोनों का वेटेज जो है 50-50% रखा जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। करते हैं जो कि आपके ट्रेनिंग पीरियड के ऊपर है, तो ये जो है आपका रहने वाला है एज़ पर द रूल एप्लीकेबल जो है उनके लिए। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग जो आपका दिया गया है इस पर साफ ये क्लियर कर दिया गया है कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डेजिग्नेटेड ट्रेड तो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज एप्लीकेबल। अप्लाई कैसे करते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो यहां पर आपको दिया गया है, फर्स्ट आपको जो है जो नोटिफिकेशन का लिंक है उस पर ऑनलाइन जाना है, फिर वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है इंफॉर्मेशन डालकर। और इसी के साथ में जो है जो आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है वो फादर्स नेम, कम्युनिटी कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी के लिए है, नाम तो डालना ही है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आफ्टर फॉर्म फिलअप जो है आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपका जो है 10 से 50 KB का JPG फॉर्मेट में आपका फोन फोटोग्राफ जाएगा, सबमिट होगा, ठीक है। और इसी के साथ जो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने हैं ये रहने हैं आपका जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट SSC मेट्रिकुलेशन का लगा सकते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन SSC 10th की मार्कशीट लगेगी, ITI की मार्कशीट लगेगी, ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मली आपके साथ में होती है। और एक सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है वो भी लगेगा। ये जो है आप जाकर जो है RRCNR.org पे जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। और कंप्लीट डिटेलिंग आपको जो है अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लस्टर लखनऊ और इसके अलावा दिल्ली, इनमें जो है अलग अलग डिवीज़न में आपको जो है यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए 3,093 वैकेंसीज़ निकाली गई है, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने दे दिया है, जाके हमारा जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा। और ज़्यादा अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और अपना क्वालिफिकेशन हमें कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।